गांव में पुलिस चौकी बन रही थी, पुलिस चौकी का ये वीडियो बनाने लगे। वीडियो बनाते समय आए रमा रमन सिंह, गाली गुप्तारी देते हुए कि क्यों यहाँ बदतमीजी कर रहे, क्यों बुलाया, क्यों आए, आपको किसने बुलाया, इस तरह से। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के साथ कई बार वायरल हो चुके उनके योगी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। जी हाँ, यहाँ योगी सुरेश योद्धा हैं, जिन्होंने लगभग 5 साल पहले सपा ज्वाइन की थी, लेकिन 2022 के विधानसभा चुनाव के दौरान सुरेश चर्चाओं में आए थे। उन्हें बकायदा स्टार प्रचारक के रूप में समाजवादी पार्टी ने कई जगह प्रचार भी किया था। सुरेश नाई उर्फ सुरेश योद्धा के नाम से मशहूर था। अखिलेश यादव उनको कई जनसभाओं में लेकर गए, जहां मंच से उन्होंने सुरेश की तरफ इशारा करते हुए कहा था कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी सपा में शामिल हो गए हैं। सुरेश योद्धा सोहरामऊ के चौपाई गांव का रहने वाला था। हालांकि इस बीच सुरेश की 27 जुलाई को हुई पड़ोसियों से कहासुनी को लेकर भी काफी चर्चा है, जिसके बारे में और बताते हुए सुरेश के दोस्त ने बताया, 3-4 सालों से हमारी इनकी दोस्ती है और 1.5 महीने से हम इनके साथ ही रह रहे, मतलब खाना पीना बनाना खाना सब कुछ इनके साथ ही चल रहा था। घटना ये हुई थी कि गांव में पुलिस चौकी बन रही थी, पुलिस चौकी का ये वीडियो बनाने लगे। वीडियो बनाते समय आए रमा रमन सिंह, गाली गुप्तारी देते हुए कि क्यों यहाँ बदतमीजी कर रहे, क्यों बुलाया, क्यों आए, आपको किसने बुलाया, इस तरह से दोनों में बहस होने लगी, बातचीत होने लगी। फिर उसके बाद में वहाँ से हम लोग चले आए। फिर उसी दिन 4:30 बजे शाम को उमा उमेश ने लाठी से हमला अपने घर के सामने हम लोग को पाके अपने घर के सामने हमला किया। फिर वहाँ से हम लोग निकल आए, 2-3 लाठी पड़ी थी उनके, लेकिन हम लोग वहाँ से चले आए। फिर रात में हम लोग घर पे नहीं रहे, फिर दूसरे गांव चिलौली में रहे। चिलौली से सुबह 5 बजे हम लोग चिलौली से निकल के अपने घर जा रहे थे, तो रास्ते में ही इसको लेकर के आप लोगों ने जो है पुलिस को एप्लीकेशन दी, पुलिस द्वारा क्या कार्रवाई की? पुलिस में कोई कार्रवाई नहीं हुई, पुलिस ने रिपोर्ट नहीं लिखी। परिवार का दावा है कि 27 जुलाई को पड़ोसियों ने उनसे मारपीट की थी, जिससे उनकी काफी दिन से तबीयत खराब चल रही थी, जिसके चलते कल संदिग्ध परिस्थितियों में उनकी मौत हो गई। अगले दिन दोनों भाई थे, रमन सिंह उमेश सिंह, दोनों बैठे हुए थे, छुप कर बैठे थे। सुबह 5 बजे की बात है, जब ये वहाँ से निकले तो दोनों ने उनको वार कर दिया। उनके पीछे एक और बैठे थे प्रेम सरकार यादव, तो उन पे वार किया, तो वो भागे वहाँ से और सारा अटैक सैनिक के ऊपर आ गया। हाथ में पैर में काफी चोटें आई थी। उसके बाद वो तालाब में गिर गए, फिर उसके बाद उन्होंने गाड़ी तोड़ के अपने साथ ले गए। ये बताइए, इसको लेकर के आपने एप्लीकेशन पुलिस को दी थी, तो पुलिस द्वारा क्या कार्रवाई की गई है? पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई, वो समझौता कराने में तैयार थे और कह रहे थे कि गाड़ी को ऐसे कह दो कि तोड़ के चले गए, ले नहीं गए। आपको बता दें कि परिवार वालों के तमाम दावों के बीच पुलिस ने 27 तारीख की घटना को मौत के कारण से खारिज कर दिया। उनका कहना है, थाना सोहरामऊ क्षेत्र अंतर्गत ग्राम चौपाई निवासी सुरेश पुत्र सुभाष उम्र करीब 52 वर्ष की अचानक तबीयत खराब होने पर परिजनों द्वारा उन्हें जिला अस्पताल उन्नाव ले जाया गया, जहां पर चिकित्सकों द्वारा उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। सूचना पर थाना सोहरामऊ पुलिस द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर मृत्यु का सही कारण जानने हेतु मृतक सुरेश उपरोक्त के शव को कब्जे में लेकर पंचायतनामा की कार्रवाई पूर्ण कर पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया गया है। मृतक के शरीर पर कोई जाहिरा चोट के निशान नहीं है एवं पीएम रिपोर्ट में हार्ट अटैक से मृत्यु होना पाया गया है। मारपीट से मृत्यु होने की सूचना असत्य है। अब एक और सुरेश के परिवार वाले और उनके दोस्त हैं, जो लगातार 27 तारीख को हुई पड़ोसियों से झड़प को कारण बता रहे हैं, तो वहीं यूपी पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट दिखाकर इस दावे को साफ मना कर रही है। आपको क्या लगता है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। उन्नाव से विशाल सिंह चौहान की रिपोर्ट, यूपी तक।